Hey, welcome back. स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो अभी समय है स्टार्टअप स्टॉक्स का, जिसमें बात करते हैं कौन सा इनोवेशन आने वाला है अगले 5 साल में, फिर 10 साल में कौन सा नया बिजनेस क्रिएट किया, जिसमें बात कर रहे होते हैं इस स्टार्टअप स्टॉक्स में। बिजनेस लाइन के ऊपर जो चल रहा था उसको अपडेट लेते रहते हैं, आखिर चल के आ रहा है बिजनेस लाइन के ऊपर, ताकि हम जब बिजनेस करें तो बिजनेस फेल होने का चांसेस कम हो। इंडिया से कंट्री का जो स्टार्टअप है, पहले 5 साल के अंदर 90% स्टार्टअप फेल हो जाता है। रीजन क्या है? लैक ऑफ एग्जैक्ट नीडेड इनोवेशन। तो अगर इसी इनोवेशन के ऊपर हम ध्यान दें, तुम्हारा स्टार्टअप होगा वो फेल होने का चांसेस कम होगा। तो इसी कारण बात कर रहे होते हैं स्टार्टअप स्टॉक्स में कि कौन सी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और किस कारण से वो फेल हो जा रही है। तो इसी कारण से इन्हीं सारी बात करते हैं। तो पहली खबर निकल के आती है यहाँ पे अन अकेडमी की तरफ से, और अन अकेडमी जो लगभग $400 मिलियन का फंडिंग जो है रेज कर रही है, यानी कि उठा रही है $400 मिलियन का फंडिंग, ताकि अपने बिजनेस को भी स्केल कर सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी जो है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एक्टेक कंपनी के अंदर काफी सही तरीके से काम कर रही है। लगभग इनका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन में आ चुका है, और ये फिर से जो $400 मिलियन का फंडिंग ले रही है ताकि और भी सही तरीके से काम करे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप TVF देखे होगे, एस्पिरेंट्स UPSC का, उसमें भी दे है, ये अलग अलग चीज़ों की कोशिश करा रही है, ये जो है अलग अलग चीज़ों की कोर्स करा रही है। यानी कहने का एक कंपनी हो गए जिसमें आप जो है SSC कर सकते हो, UPSC कर सकते हो, IIT कर सकते हो, NEET कर सकते हो, यानी कि वेरियस सेक्टर को जो हो ले लिया, जिसके कारण से इनका जो बिजनेस है वो सही तरीके से ग्रोथ हो, यानी कि एडटेक कंपनी इतने अच्छी काम कर रही है। या फिर से अगली खबर निकल के आती है लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स स्टार्टअप कंपनी की तरफ से, यानी ये जो है जून शॉप कंपनी है जो इस तरीके से काम कर रही है, इनके स्पेसिफिक प्रोडक्ट वो बेचेगी। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट में आप कुछ भी सामान ले सकते हो, कपड़ा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आप सामान ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले सकते हो, तो उसी तरीके से जो मिंत्रा कैसे आप थी वो जो सिर्फ प्रोडक्ट यानी कि जो है क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर फोकस कर रही है, उसी तरीके से ये भी जो है कुछ अलग सेक्टर के ऊपर काम कर रही है, ताकि जो है इनका जो है एक निश हो, इनका जो पार्टिकुलर स्ट्रेंथ हो, जिसके कारण से इनका भी ग्रोथ हो। ये जो है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है। या फिर अगली खबर निकल के आती है खाताबुक की तरफ से, और खाताबुक जो है लगभग $100 मिलियन का जो फंडिंग गेन करने जा रही है अपने बिजनेस को और भी स्केल करने के लिए। वैसे खाताबुक जो है एक तरह से डिजिटल बुक है, एक तरह से मानो उसके अंदर जो आप सारी चीज़ रख सकते हैं उसके अंदर। या फिर से अगली खबर निकल के आती है टेस्ला की तरफ से, और टेस्ला जो है क्लेम कर रहे हैं, यानी कि बता रही है कि उनका जो है सबसे लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो रेंज वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, यानी कि इसका जो एक चार्जिंग करने से 600 से भी ज़्यादा किलोमीटर जा सकती है, वैसे बता रही है टेस्ला, और इनका जो स्पीड भी सबसे ज़्यादा है, इसे क्लेम कर रही है। या फिर अगली खबर निकल के आते हैं जेरोदा की तरफ से, और जेरोदा जो कि फिनटेक कंपनी यानी कि फाइनेंशियल बेस्ड टेक्नोलॉजी, स्टॉक ब्रोकर काम करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ये जो है इनका जो वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यूएशन वो $1 बिलियन से $2 बिलियन हो चुका है, यानी कि एक साल में $1 बिलियन का ग्रोथ हुआ, एक बहुत बड़ी ग्रोथ होती है ये। और इंडिया में जो स्टॉक मार्केट की डिमांड भी थी, और जिसके कारण से इनका ग्रोथ होना ऑब्वियस रहता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके अंदर में और भी जो है बहुत इनोवेशन छुपा है, बहुत सारा जो है मार्केट नीड है, यानी कि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस कर दो स्टॉक मार्केट के ऊपर कि उसमें इन्वेस्ट करें तो सही होगा, और इसके अंदर और भी ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इनका जो ग्रोथ है $1 बिलियन से $2 बिलियन की ओर पहुंच गया है। या फिर से अगली खबर निकल के आते हैं टाटा की तरफ से, और टाटा सन्स जो है वो एक्वायर कर लिए 64.3% यानी कि बिग बास्केट के अंदर। या फिर से अगली खबर निकल के आती है UK की तरफ से, नहीं इंग्लैंड की तरफ से खबर निकल के आती है, इसमें जो है ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, और ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक जो है बसेस को जो है इंट्रोड्यूस कर रही है, यानी कि इस रोड पे जो है ड्राइवरलेस गाड़ी चलेगी और जिसके अंदर जो लोग बैठ सकेंगे। या फिर से अगली खबर निकल के आती है मोबाइलिटी स्टार्टअप कंपनी की तरफ से, और ये जो है इन्हें फंडिंग मिली है लगभग $6 मिलियन का अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। इस तरीके से काम कर रही है ये मोबाइलिटी कि इनकी आपको पार्किंग चाहिए किसी जगह पर, यानी कहीं आप जाते हो, यहाँ पर अननोन जगह आपको पता नहीं कहाँ पार्किंग लगती है, तो आप जो इस तरीके से काम कर सकते हो, ऐप के अंदर देख सकते हो कि पार्किंग नियरेस्ट पार्किंग कहाँ है, जहाँ पर आप जाकर अपने जो है व्हीकल्स को जो अपने गाड़ी को जो आप लगा सकते हो वहाँ पर। वैसे ये थी आज की अपडेट, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह हर रोज ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।